भाजपा छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को अब भाजपा में वापस नहीं लिया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर के एक निजी रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जहां कार्यकर्ताओं का चुनाव में साथ देने के लिए आभार जताया, वहीं उन्होंने कहा कि तेजी से अब थानेसर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी को छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को वापस नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि थानेसर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार रहे पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज पिपली रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया था और इसी वजह से वह बहुत कम वोटों से हारे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वह हार चुके हैं, लेकिन थानेसर विधानसभा का और तेजी के साथ विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा पर अपना विश्वास जताया है और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाई है, जिसकी वजह से अब थानेसर सहित पूरे हरियाणा में तेजी के साथ अनेकों विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि जो कार्यकर्ता चुनाव के दौरान पार्टी को छोड़कर गए हैं, उनको दोबारा से पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर परिषद चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और पार्टी का जो भी आदेश होगा उस आधार पर वे काम करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता बैठक में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मंच से अपने विचार रखे। अपना काम करेगा। आप अधिकारी के साथ पत्र नहीं करोगे तो अधिकारी आपका पर्चा दर्ज कराए कुछ मिलेगा लेने। आप गलत काम करोगे, शराब की गोलियां सरेआम गाड़ियों में रख के आप छोटे करोगे, पैसे देके छोटे करोगे, पकड़े जाओगे तो कानून अपना काम करेगा नहीं करेगा? कानून अपना काम करेगा। राष्ट्रीय आम में करते हो क्या? तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय हमारे संगठन के साथ सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का जो अभी इलेक्शन आया था हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ इलेक्शन को लड़ा। इलेक्शन लड़कर दिखा दिया कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ से मुख्यमंत्री बने। ये बात बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस से हम लोगों ने काम किए थे। हमने नौकरियां मैट पर देने का काम किया, हमने बहुत से पोर्टल चलाए जिनके ऊपर आज जनता ने हमारा विश्वास रखा। आज जो ये कहते थे विपक्ष के लोग कि हम आएंगे तो पोर्टल बंद कर देंगे, अरे कैसे पोर्टल बंद कर देंगे, ये तो नौकरियां बेचने का काम करने वाले थे। आपको देखिए कई विधायकों ने तो ये कह दिया था कि आओगे तो नौकरी पाओगे। मेरे यहाँ पर भी बहुत बड़ा रॉकेट हुआ। मैं बताना चाहता हूँ आपके अंदर अमीन गाँव के अंदर क्या किया इन्होंने 5/16 को उससे पहले कोपटी में के अंदर 5 आदमी लगा लिए, उनसे पैसा ले लिया, लगा लिया उनको, अपने सारा सस्पेंड किया। ये लोग तो उस प्रकार का कार्य कर रहे थे। इनकी तो जो कार्यशैली थी वो IIT वाली कार्यशैली थी, वो तो मैंने अभी पकड़ के उसको कैंसिल कराया। और भी बड़ी चीजें की है, समय आने पर मैं आपको सब दिखाऊंगा कि क्या क्या कार्य इन्होंने किया है। तो मैं आज तो इतने कहा था, आज मेरे जितने भी साथी यहाँ पर आए थे मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए दिन रात पसीना बढ़ाया, उन साथियों का जो मेरे सामने बैठकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने बैठकर सामने बूथों पर ताकत से पूरे किसी डर के कारण मुकाबला किया, मैं उन सबको सलाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। ऐसे साथियों को जो डरे नहीं, इन्होंने बहुत कोशिश करी डराने की, उन्होंने तो यहां तक किया बहुत से डॉक्टरों को, अगर तुमने आपकी बार अगर हमारे को वोट नहीं दी तो देखना 8 तारीख के बाद क्या होगा। अपने आप को डिप्टी मुख्यमंत्री बने हुए थे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी, शहर के अंदर इतना बड़ा डराया हुआ था, व्यापारियों को डराया हुआ था, राइस मिलों को डराया हुआ था, उनको धमके मारे हुए थे,
अगर आप घर से बाहर निकले भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने गए कमल के निशान के ऊपर 100% आपके ऊपर बड़ा एक्शन लेंगे। तो मैं चाहूंगा आज परमात्मा ने सुनी और तीसरी बार लोगों ने ना डर के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रकाश के अंदर तीसरी बार बनाई है। जो लोग छोड़ के गए हैं उन्हें वापस नहीं लेंगे, मंच से ऐलान किया है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग छोड़ के गए हैं बिल्कुल हमने ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको किसी कीमत पे नहीं लेगी। यही बात मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, यही बात इन्होंने की अपने सागवान जी ने, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम उनको नहीं लेंगे। नगर परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब विधानसभा के बाद अब नगर परिषद में भी एक बार फिर भिड़ंत हो गई। देखिए नगर परिषद का इलेक्शन हमेशा हमने लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसका बड़ा मजबूती से उसको इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तो देखिए अभी तो हमारा विधानसभा का अभी मुबारकबाद, अभी अभी पूरी कैबिनेट बनी है, उसके साथ साथ अभी विधानसभा का अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, साथ साथ अभी जब भी इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से धनेश्वर विधानसभा के अंदर इलेक्शन लड़ेगी, मुस्लिम कमेटी का और मुस्लिम कमेटी का चेयरमैन अपना बनाएगी। योगी जी मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, देखिए योगी जी